जय श्री राम। धन के कारक ग्रह गुरु, फाइनेंस की राशि, वैभव सुख संपन्नता की राशि या दूसरे धन के ग्रह शुक्र की राशि यानी वृषभ राशि के अंदर अस्त होने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मई 2024 को बृहस्पति का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में हुआ और फिर वहां पर ये ग्रह 7 मई 2024 को अस्त होंगे और 6 जून 2024 तक अस्त रहेंगे। यानी इस दौरान अगर हम देखें तो शुक्र ग्रह जिसकी वो राशि में गए हैं वो भी अस्त हैं और बृहस्पति ग्रह भी जो वृषभ राशि के अंदर हैं वो भी अस्त हो जाएंगे और इनको अस्त करने वाला जो ग्रह होगा वो होगा सूर्य। यानी सूर्य लगभग देखा जाए तो एक महीने तक 7 मई से 6 जून तक शुक्र और गुरु दोनों ही अस्त रहेंगे। इसका मतलब है संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए इस एक महीने के दौरान सभी प्रकार के पुण्य कार्य या कह सकते हैं शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। चाहे उसमें शादी विवाह हो, चाहे उसमें मुंडन संस्कार हो, चाहे कोई गृह प्रवेश से संबंधित स्थितियां हो या विवाह से संबंधित कोई भी शुभ कार्य जो आपके जीवन में होता है इस दौरान अवॉइड करना चाहिए, ये कहा जाता है। क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही अस्त हो चुके हैं, लगभग 7 मई से 6 जून के रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अस्त चल रहे हैं और 7 मई से 6 जून तक गुरु अस्त रहेंगे। अब जब गुरु अस्त रहते हैं तो वो सूर्य के कारण अस्त रहते हैं। सूर्य से 11 डिग्री के अंदर अंदर अगर गुरु का गोचर होता है तो वो अस्त होगा। यानी जैसे ही सूर्य वृषभ राशि में पहुंचेंगे तो सामान्य तौर पर सूर्य एक राशि में लगभग लगभग अगर देखें तो एक महीने तक रहता है। यहाँ सूर्य 15 मई को राशि परिवर्तन करेगा, पहले वो वृषभ में अस्त करेंगे, फिर सूर्य मिथुन में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी गुरु से 11 डिग्री के अंतर से कम होंगे इसलिए वो उसको लगातार अस्त करेंगे। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि अगर सूर्य और कोई ग्रह एक ही भाव में नहीं है फिर भी सूर्य उस ग्रह को अस्त कर सकता है, चाहे उसके आगे या पिछले भाव में बैठे। अब जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो सबसे पहले शास्त्र कहता है उसके कारकों की हानि हो जाती है। अगर किसी भी कुंडली के अंदर हम गुरु को देखें तो गुरु को दूसरे घर का कारक कहा गया धन का कारक, पंचम भाव का कह कारक कहा गया संतान का कारक, नवम भाव धर्म भाग्य का कारक, दशम भाव कर्म कार्य क्षेत्र का कारक और एकादश भाव यानी लाभ का कारक माना जाता है। और जब ये पांचों जगहों का कारक ग्रह सूर्य द्वारा अस्त हो तो कहते हैं प्लेनेट तो कुछ देना चाहता है लेकिन उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है क्योंकि वो सूर्य से अस्त है। और जब कोई ग्रह अस्त है तो इसके कारकत्वों में हानि है। यानी सबसे पहले अगर हम धन को देखें तो ये एक महीना थोड़ा आपके लिए टफ साबित होगा। इसको अगर ओवरऑल देखें कि ब्रह्मांड में दो ही तो ग्रह ऐसे हैं जो फाइनेंस को संभालते हैं, एक शुक्र और एक गुरु, और यहाँ बृहस्पति को तो प्योर रूप से धन का कारक कहा गया है इसलिए बृहस्पति का अस्त होना कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली रूप में तकलीफ देने की कोशिश जरूर करेगा। वो सभी लोग जिन लोगों को गुरु से संबंधित दशा अंतर दशा चल रही है, शुक्र से संबंधित दशा अंतर दशा चल रही है, उन लोगों को भी प्रॉब्लम होने की संभावना रहेगी क्योंकि ये सूर्य द्वारा अस्त हैं और गुरु इस दौरान कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो जितने भी लोग सरकारी क्रियाकलाप से जुड़े हुए कार्य करते हैं उनको भी इस दौरान प्रॉब्लम्स आने की संभावना रहेगी। सरकारी नौकरी के संबंधित बाधा, राजनीति से संबंधित बाधा, या आप किसी अधिकारी से जुड़कर कोई काम करते हैं या सरकारी काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, तो इस दौरान उस क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आएंगी, व्यवधान आने की संभावना रहेगी, परेशानी आपकी बढ़ सकती है, हार्डवर्क आपका बढ़ सकता है। साथ ही साथ क्योंकि पैसे से संबंधित ग्रह है तो पैसे से संबंधित जो फ्लो है उस पर भी इसमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। संतान के साथ मनमुटाव से बचिएगा, इसमें विशेष ध्यान ही रखना होगा। मंगल कार्य कोई नहीं करना है, गृह प्रवेश है, विवाह आदि है, ये इसमें वर्जित होते हैं। अब ये तो कारकत्व हो गए कि ग्रह आया है एक महीने के लिए, आ रहा है एक महीने के लिए, कॉमन रूप से गुरु और शुक्र दोनों हैं। तो पिछले वीडियो मैंने बनाए थे जब शुक्र अस्त होंगे 66 दिन के लिए तो आपके जीवन में क्या करेंगे, आप लोगों ने देखे होंगे व रेमेडी भी देखी होगी। यहाँ जो लोग गुरु ग्रह से प्रभावित हैं, फॉर एग्जाम्पल गुरु आपके नक्षत्र के स्वामी हैं, गुरु आपके राशि के स्वामी हैं, गुरु की आपको दशा चल रही है, तो इन पर प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। उपाय सभी के लिए कॉमन है, बहुत ही सरल उपाय मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जिसको कोई भी राशि का जातक कर सकता है इस दौरान। सबसे पहले क्या है, इस दौरान जितना ज़्यादा आप गुरु से संबंधित चीज़ों को ग्रहण करेंगे, जैसे पीले वस्त्र पहनना, पीली चीज़ों का भोग करना, पीली चीज़ को खाना, ये आपके लिए शुभ है। कहा जाता है गुरु जब पीड़ित हो कुंडली में या गोचर में तो उस दौरान ब्राह्मण को दान देना शुभ है।
वो ब्राह्मण जो कर्म और धर्म दोनों से ब्राह्मण हो आप उसको दान दीजिए। जरूरी नहीं कि मंदिर में बैठा हुआ पंडित जो है वो ब्राह्मण ही है। आजकल तो देशकाल पात्र के हिसाब से कुछ लोग अलग अलग जातियों के भी हो जाते हैं। वो अपने यहाँ किसी जाति के थे, दूसरी जगह जाकर पहुँच गए, वहाँ उन्होंने अपने आप को बता दिया कि मैं तो ये हूँ और लोगों ने मान भी लिया। तो इसलिए जिसको आप कर्म और धर्म दोनों से ब्राह्मण मानते हैं आप उसको अपनी श्रद्धा अनुसार हर बृहस्पतिवार को कुछ ना कुछ दान देंगे तो शुभ रहेगा। इस दौरान बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का भी जाप आप हल्दी की माला से करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज तुलसी की माला से करिएगा। रोजाना इसकी कम से कम तीन तीन माला का जाप आपको करना ही होगा। तो ये तो थे वो कॉमन प्रभाव जो आपको क्या हर राशि विशेष के ऊपर इसको देखने के लिए मिलेंगे। अब हम देखेंगे पर्टिकुलर आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कि पर्टिकुलर के भी सभी राशियों पर इसका अलग अलग कुछ ना कुछ प्रभाव है, तो आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव है, कि गुरु अगर एक महीने तक अस्त हो रहे हैं तो वो आपको क्या क्या दे सकते हैं। अब इस चीज को हम बड़े ही विस्तार से आपकी राशि के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि मकर राशि के जातकों पर क्या होगा प्रभाव जब गुरु आपकी राशि से पंचम भाव में अस्त हो जाएंगे। एक धन का ग्रह जब जब ब्रह्मांड में अस्त होता है, तो जब धन का ग्रह अस्त है तो इसका मतलब सीधी बात तो है कि धन से संबंधित समस्या तो आएगी, धन से संबंधित चिंता तो आपके जीवन में मिलेगी आपको, और ये प्लेनेट सबसे पहले इस बात को कहता। अगर हम देखें तो गुरु और सूर्य आपकी राशि के लिए दो ऐसे प्लेनेट हैं जो खराब स्थान का स्वामित्व रखते हैं। हमने देखा कि 12वां और तीसरा घर ज्योतिष शास्त्र में खराब होता है, उन दोनों का ही मालिकाना हक किसको मिला है, गुरु को। अष्टम भाव जिसको हम अड़चन दुविधा परेशानी का भाव कहते हैं, इसको हम 6, 8, 12 का त्रिक भाव कहते हैं, उसका मालिक कौन हुआ, सूर्य। वो दोनों प्लेनेट जो खराब स्थान के मालिक हैं और पंचम भाव के अंदर आ गए, इसका मतलब शास्त्र का नियम है जब जब खराब भाव के स्वामी अच्छे भावों में बैठते हैं तो वो अच्छे भाव का नुकसान करते हैं। अगर पांचवें घर के अंदर गुरु ने सूर्य को अस्त किया, सॉरी सूर्य ने गुरु को अस्त किया, तो गुरु इस दौरान सूर्य के ही नक्षत्र में चल रहे हैं, और जब वो सूर्य के नक्षत्र में चल के सूर्य द्वारा ही अस्त हैं तो आप सुनिए कि 12वें और तीसरे घर का मालिक अगर पंचम में जाता है और अष्टम का मालिक भी जाता है तो ये आपके पांचवें घर को दूषित करता है। पंचम भाव में मैं सबसे पहले देखता हूँ बुद्धि। वो बुद्धि 10-12 साल के बच्चे की भी है, 20-30 साल की भी है, 50 के भी है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है। अब बुद्धि पर जैसा प्रभाव वैसे ही बनेंगे आप। अब पंचम भाव पे अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, गुरु जैसा ग्रह है वो अस्त हो गया, वो चाहता है थोड़ी बुद्धिमानी देना लेकिन वो नहीं दे पा रहा क्योंकि उसे अष्ट में सूर्य ने अस्त कराया। यानी सबसे पहले इस दौरान बुद्धि से संबंधित निर्णय सोच समझ कर लें, आपके द्वारा की गली गलती से आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। पंचम भाव शिक्षा का है, आप अपनी शिक्षा में अपनी गलती से नुकसान कर सकते हैं। पंचम भाव बुद्धि है, शिक्षा है, ज्ञान है, आपके निर्णय है, प्रेम संबंध भी पंचम भाव है, तो आपकी ही इन्हीं गलतियों की वजह से आपका लॉस हो सकता है। अष्टम का मालिक जब जब पंचम में आता है तो पांचवें घर से संबंधित चिंताएं को बढ़ाता है, तो वो फिफ्थ हाउस की प्रॉब्लम यहाँ बनती दिखाई दे रही है कि उस प्लेनेट ने उसको अस्त किया। अब ये भाव दशम भाव है, 10वें भाव से 8वां भाव भी है, यानी कर्म का भी संबंध कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि से है। आप कोई काम करते हैं, आप नौकरी करते हैं, वहां पर आप जैसे फैसले लेंगे, जैसा काम करेंगे, जैसा काम करके दिखाएंगे, उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा, उसी के हिसाब से तरक्की प्रमोशन मिलेगा। और जब ये घटना दशम भाव से 8वें घर यानी पंचम भाव में घट रही हो तो इसको हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि भैया ये समय चिंता का समय है। ऐसे समय में एजुकेशनली और प्रोफेशनली दोनों तरीके से ध्यान रखना है, धन का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि खर्च का स्वामी पंचम भाव में हुआ, व्यर्थ का खर्च कराएगा, बिना वजह के कार्यों में पैसा लगाएगा। आपके पास पैसा होगा आप तब खर्च कर देंगे, बाद में कहेंगे कि अब तो मेरा पैसा चला गया, अब मेरा काम मंदा चल गया, अब मेरे पास पैसे की खिंचावट हो गई, ये मैंने क्या किया। तो ऐसी स्थितियों में क्या, व्यर्थ पे पैसा खर्च करने से बचें, बिना वजह के काम में इधर उधर शॉपिंग्स कर ली, खर्चे बढ़ा लिए अपने ऊपर, यात्राओं पे पैसा खर्च कर दिया, तब नहीं सोचा, बाद में वो प्रॉब्लम हो गई तो उसमें आप चिंता में आ गए। यानी ये पूरा एक महीना चिंता के दृष्टिकोण से ही दिखता है, और वो चिंता क्या क्या हो सकती है मैंने आपको बताई, इसका क्या सलूशन कर सकते हैं, इसके उपाय भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए हैं, आप उसको सुनिए, उन उपायों को कीजिए, उनसे करने से आपकी प्रॉब्लम भी खत्म होंगी, आपको कहीं ना कहीं समस्या से निदान मिलेगा
और आप टफ समय में भी आगे बढ़ जाएंगे। तो ये था मकर राशि के जातकों के जीवन में कैसा होगा प्रभाव जब गुरु अस्त हो जाएंगे आपके पंचम भाव में। जय श्री राम।